दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों नेपाल के खिलाफ एशिया कप के मुकाबले में 6 चौके और 5 छक्के की बदौलत 74 रन जड़ने वाले रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच बनने के बाद रो पड़े और अपना अवार्ड लेने से किया इनकार। सब सोच रहे थे शुभमन गिल को देंगे अवार्ड, लेकिन कोहली को अपने पास बुलाकर थमाया अपना अवार्ड और इनाम, और फिर जो कोहली के लिए कहा वो सुनकर पूरी दुनिया करेगी सलाम। तो दोस्तों रोहित शर्मा का यह नेक काम और वो क्या बोले सब आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, जडेजा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों एशिया कप के 5वें मैच में टीम इंडिया की भिड़ंत नेपाल की टीम के साथ हुई और इस मुकाबले में बारिश ने एक बार फिर से मुकाबले का मजा तो किरकिरा कर दिया, लेकिन दोस्तों 23 ओवर का जो मुकाबला भारतीय टीम ने अंतिम क्षणों में खेला वो बेहद ही रोमांचक रहा। हुआ ये कि इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और नेपाल की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट गंवाकर आसिफ शेख की 58 तो वहीं सोमपाल कामी की 48 और कुशल भुटेल की 38 रन की पारी के बलबूते पर 230 रन बनाए और टीम इंडिया के सामने लक्ष्य रख दिया 231 रन का। हालांकि भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 3-3 विकेट रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के नाम रहे, लेकिन दोस्तों ये मुकाबला जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी, लेकिन दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैच को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही बारिश ने मैदान पर दखल दे दिया और बारिश के कारण मुकाबले को लगभग 2 घंटे तक रोक देना पड़ा। लेकिन दोस्तों मैच तो रुका और जब मैच फिर से शुरू हुआ तो 23 ओवर में भारत को मैच जीतने के लिए 145 रन बनाने थे और टीम इंडिया ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल की अर्धशतकीय पारियों के दम पर इस मुकाबले में बिना कोई विकेट गवाए 10 विकेट से यह मैच जीत लिया और इस दौरान रोहित शर्मा ने 74 रन बनाए तो वहीं शुभमन गिल ने 67 रन की पारी खेली और इस मैच को भारत के नाम करवाया। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिताब से या तो शुभमन गिल नवाजे जाते या फिर रोहित शर्मा, एक ही बात होती, लेकिन दोस्तों यह अवार्ड रोहित शर्मा को दिया गया और रोहित शर्मा ने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने बीच मैदान पर ही कहा कि यह अवार्ड मैं नहीं ले सकता, मैं इस अवार्ड को किसी खास खिलाड़ी के नाम करना चाहूंगा। जी हां दोस्तों, पूरा देश सोच रहा था कि रोहित शर्मा अपना यह अवार्ड शुभमन गिल को देंगे, लेकिन नहीं, रोहित शर्मा ने विराट कोहली को अपने पास बुलाया और उनके हाथों में अपना यह अवार्ड और इनाम थमा दिया और फिर विराट कोहली के बारे में रोहित शर्मा ने जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश उनको सलाम ठोकने लगा। उन्होंने कहा यह मुकाबला हमारी टीम के लिए बहुत जरूरी था, नेपाल की टीम के खिलाफ हम इस बात से खुश नहीं है कि हम मुकाबला जीत पाए हैं, बल्कि हमारे बल्लेबाज ने रन बनाए हैं। हम शुभमन गिल पाकिस्तान के खिलाफ जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे तो मेरा प्रदर्शन और गिल का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और हम दोनों की वजह से हमारी टीम पर दबाव आ चुका था। अगर हम दोनों शुरुआत में थोड़ा संभलकर बल्लेबाजी कर लेते तो शायद उस मैच में हम 66 रन पर 4 विकेट ना गंवाते और वही एक बड़ी वजह थी कि विराट कोहली और यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर पर भी हमारी वजह से दबाव बना और उस मुकाबले में हमने पहले से ही ठान लिया था कि हम ओपनिंग साझेदारी अच्छी करेंगे जिससे कि हम यहाँ 300 रन बना पाए, लेकिन हमारा पूरा प्लान वहाँ फेल हो गया। लेकिन जब मैं अपने बारे में सोच रहा था तब मुझे अपनी बल्लेबाजी में दोबारा से कॉन्फिडेंस दिलाने में किसी और ने मदद नहीं की बल्कि वो कोहली भाई था, क्योंकि यहाँ पर कोहली ने मुझे पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बाद काफी कुछ समझाया। उसने बताया कि नेपाल के खिलाफ हमें रन बनाने जरूरी है, हमें एक ऐसा मैच खेलना होगा जिसमें हम कोशिश करें कि कोई विकेट ना दें। अगर मैच पूरे 50 ओवर का भी होता तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती कि नेपाल के खिलाफ हमें कोई विकेट नहीं देना है और हमने आज के मैच में विकेट ना देकर अपने एक टास्क को तो पूरा कर लिया है। तो वहीं आगे रोहित शर्मा ने यह तक कहा कि इस अवार्ड का असली हकदार तो कोहली भाई है, क्योंकि उसने ही मुझे समझाया कि आखिरकार नेपाल के खिलाफ मैं कैसी बल्लेबाजी करूं जिससे कि मेरी वापसी हो जाए, और अगर आप यह 74 रन देखकर मुझे मैन ऑफ द मैच बना रहे हैं तो इसके पीछे तो सबसे बड़ा हाथ कोहली भाई का है। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि विराट कोहली के लिए रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान जो किया है वो सराहनीय है या फिर नहीं, और आप उनके इस नेक काम को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।